तो जो अभी कसार साहब नहीं ने दिया, तो ये शायद पहले कम्युनिकेशन हुई हुई है, जो सौरभ गांगुली का पुराना नहीं उन्होंने नहीं वो हुई निकाल के नहीं दिया। नहीं लेकिन राजकुमार सर ये का मुझे जो कम्युनिकेशन नहीं, स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन विराट नहीं है, वनडे की कप्तानी करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट था ये राजकुमार सर का, कम्युनिकेशन ऑफिशियल निखिल कभी भी स्टेटमेंट नहीं हुई। है ये राजकुमार सर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं आपके लिए। पहला तो आप बताएं, विराट से आपकी बातचीत हुई क्या, इस प्रोसेस को लेके वो खुश है जिस तरह से उनको सैक किया गया, सही भाषा में अगर बात करें, और ये सैक करना है कितने बड़े कप्तान के लिए कितना सही फैसला आप मानते हैं? नहीं राजीव, मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। मैं सच बताऊं आपको, शायद उनका फोन बंद है, बंद जी था किसी कारणवश। तो लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली T20 की कप्तानी से रिजाइन किया था, और शायद उसी समय सेलेक्टर्स को बोल देना चाहिए था कि या तो आप दोनों से रिजाइन कीजिए या रिजाइन मत कीजिए। और आज अभी अभी मैं इन शॉर्ट्स पे पढ़ा है, मैंने वो सौरव गांगुली जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, उनका स्टेटमेंट कि हमने तो विराट कोहली को कहा था कि आप T20 की कप्तानी मत छोड़िए। तो मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं पता लगी थी, तो ये एक बड़ा सरप्राइज की तरह ये स्टेटमेंट मेरे सामने आया है कि सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि हमने कहा था विराट कोहली को कि आप T20 की कप्तानी भी मत छोड़िए। तो अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, और इसीलिए बड़ा वो लग रहा है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को स्टेटमेंट नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं कि क्या कारण है, क्या विराट कोहली सक्सेसफुल कैप्टन नहीं थे वो वनडे क्रिकेट में, या क्या चाहती है मैनेजमेंट या बीसीसीआई या सेलेक्टर्स। तो थोड़ा सा मुझे अफसोस है कि जिस तरह ये सारा हादसा हुआ है, और क्लेरिफिकेशन नहीं है इसमें, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो एक चीज मुझे खल रही है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ओपन होने चाहिए जी कि इस वजह से हम हटा रहे हैं आपको, या आप मतलब आप क्लियर कीजिए उस कैप्टन को कि जो इतना सक्सेसफुल कैप्टन है वनडे क्रिकेट में, एंड सडनली वो जी पेपर में पढ़ने में आता है कि उनको हटा दिया गया। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आई थिंक कसार साहब ने कहा कि सौरभ गांगुली ने उस समय जो कम्युनिकेशन थी, जो उस समय उन्होंने निकाल के अभी हमें दिखाई थी कि अगर आप T20 की कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं तो हमारे को बतौर ODI कैप्टन आपको रखना मुश्किल हो जाएगा, अगर ये भी हाँ कम्युनिकेशन हुई है राजू भैया, तो जो अभी कसार साहब ने नहीं दिया तो ये शायद पहले कम्युनिकेशन हुई हुई है, जो सौरभ गांगुली का पुराना नहीं उन्होंने नहीं वो हुई निकाल के नहीं दिया। नहीं लेकिन राजकुमार सर ये का मुझे जो कम्युनिकेशन नहीं, स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन विराट नहीं, वनडे की कप्तानी करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट था ये राजकुमार सर का कम्युनिकेशन ऑफिशियल निखिल कभी स्टेटमेंट भी है नहीं हुई। जी। ये अभी आफ्टर थॉट है, ये कम्युनिकेशन पहले कभी नहीं हुआ कि उनको ऐसा बताया गया हो या ऐसा उनसे कहा गया हो या उन्हें समझाया गया हो ऐसा कि आप वनडे की भी कप्तानी छोड़ दीजिए या हम आपको नहीं रख पाएंगे कप्तान, ऐसा कुछ हुआ नहीं है पहले। तो चलिए, ये बड़ा स्टेटमेंट है राजकुमार सर का कि पहले कोई बात नहीं की गई थी विराट से, और जो भी कुछ हो रहा है ये आफ्टर थॉट है जो अब सोशल मीडिया पे लगातार निकाल के डाले जा रहे हैं। बतौर कप्तान उनके आंकड़े बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो वापस याद आएंगी, और मुझे जो लगता है वो ट्रू एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, वो भारत को रन बनाने को देखेगा और इस जज्बे के साथ उतरेगा कि अब मैं आपको एक 150 और 200 बना के दिखाता हूँ, जो शायद साउथ अफ्रीका में किसी और भारतीय ने नहीं किया था, मैं भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में जिता के लेके आऊंगा, इस सोच के साथ राजकुमार वो सर, मैदान में उतरेंगे। सर जो कुछ निखिल भाई और सभा भाई कह रहे हैं, आपको लग रहा है उतना आसान होगा कि आप बैटिंग के लिए आए बैटिंग करें? भूल पाए, भूलना इतना आसान होता है जो कुछ होता है आपके साथ, और खास तौर से बहुत अच्छा करने के बाद? नहीं राजीव, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो कप्तानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको एक भूख है रन बनाने की, अपने देश के लिए अच्छा करने की और टीम जिताने की। तो हमेशा से प्रायोरिटी उनकी यही रही है कि कभी भी उन्होंने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं देखा, उस तरफ देखा भी नहीं। 99% रिकॉर्ड्स मैंने उसको बताता हूँ कि तूने ये कर दिया, तो वो बिल्कुल जज्बा उसका वही रहेगा कि मैं रन बनाऊं और देश को मैच जिताऊं, कप्तान मैं हूं या कोई और है, उससे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कप्तानी के लिए वो कभी भी नहीं खेलता है, वो खेलता है रन बनाने के लिए, अपने देश को जिताने के लिए।